press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जी, रेड वेलवेट का केक लग रहे हो आपको. रेड वेलवेट टू. सबसे पहले आपको पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस. ट्रेलर ने वाकई बहुत धूम मचाया. सो जिस तरीके से रिस्पांस मिला है ट्रेलर को, गाने को, एंड आई एम श्योर ये गाना भी बहुत ट्रेंड होने वाला है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? मैं खुश हूँ. मैं बहुत और अच्छा लगता है जब काम को अप्रिशिएट करते हैं. और यूजली होता है कि ट्रेलर आता है, फिर उसके बाद गाना, फिर उसके बाद रिएक्शन थोड़ा ऊपर नीचे होता है. बट इसका रिएक्शन इतना अच्छा मिल रहा है कि वी आर वेरी हैप्पी. वरुण, वरुण भाई, थैंक यू सो मच. वरुण भाई, आप बताइए. पाजी, सच सच बात यह है कि बिफोर एनी यूनिट कम्स आउट ऑफ अ फिल्म, सब लोग डरे होते हैं. हम लोग इधर आके बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं. बट आप इतने स्वीट तरीके से पूछ रहे हो, तो मैं आपको सच जवाब दूंगा कि वी आर ऑलवेज लिटिल वरिड कि यार लोगों को कैसा लगेगा, क्या होगा, लोगों को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा. मेहनत तो मेरे हिसाब से सब करते हैं. बट ये फिल्म जेन्युइनली, ये जो गाना शूट हुआ है, एक्चुअली 2 डिग्री टेम्परेचर में शूट हुआ है यूके में हम लोग ने. और जेन्युइनली इतनी ठंडी थी उधर, जेन्युइनली बहुत ठंडी थी. एंड आई रिमेंबर आई हैड गॉट माई फर्स्ट इंजरी ऑन स्ट्रीट डांसर इन दिस सॉन्ग. मेरा शोल्डर, आई हैड अ शोल्डर टेयर, क्योंकि एक जंप है जो बैटल होता है, वो गाने में नहीं दिखाया है. वे दे फ्लिंग मी बैक, और मैं 3-4 बार किया और मुझे लग गया था. एंड वो अभी मेकिंग आएगा, उसमें दिख जाएगा, उसमें है. उसमें चोटें बहुत लगी है इस फिल्म में एक्चुअली सब लोगों को. एंड नोरा बात नहीं करती, बट उनको भी चोटें तो सभी को आती हैं, बिकॉज इट्स डांस. नोरा का बैक गया था, मुझे याद है. नीज, एक्चुअली मेरी नीज बैक, और काफी इंजरी. रमेश को भी लग गया था व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कैच मी. राघव को लगा, राघव को लगा. राघव को आपने ही मारा था सर. बट यस, बहुत मेहनत की है सबने. बहुत दिख रहा है मेहनत, आपको दिख जाएगा इसमें. थैंक यू नोरा. या मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू लुक एट योर जर्नी, मतलब नॉट ओनली जस्ट एज अ सॉन्ग, बट यू आर आल्सो एज अ परफॉर्मर एज वेल. मतलब a director has considered you as a lucky mascot, and you're getting, you have been appreciated for your acting performance as well. What do you want to say about it? It's very surreal. It's a feeling. Sometimes I get very, very happy, and then sometimes I get very scared, because I don't want it to end. I want it to keep going and going and going and going. But of course, if I look back at 3 years ago, I remember sitting in my room alone, very frustrated, very upset, because I wasn't getting the work I wanted and people were not actually recognizing my talent. And I remember saying to myself, mera time bhi aayega. And when I said that to myself, I saw all of this happening. So for me, coming from outside, not being an industry child or industry kid, I'm so grateful and so hungry, and I have such a big appetite, and I just want to work, and I just want to prove myself. And to get to work with Remo sir, I said this at the trailer launch, was a dream. And I have many more dreams. I hope there are many more directors out there that will have, you know, courage to work with me also, because I have a lot to offer and I can't wait. And obviously I want to know, how does Varun Dhawan feel doing a song with me? I just want to know, how does he feel? Varun Dhawan. कैसा लगा? सो मुझे ऐसा लगा था कि ये वैसे भी जब गाना निकालती है तो इंटरनेट को तोड़ देती है. शी ब्रेक्स द इंटरनेट. सो आई सेड दैट व्हेन वरुण एंड नोरा डू अ सॉन्ग टुगेदर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द इंटरनेट. एंड वी आर ऑलरेडी करेंटली ट्रेंडिंग एट नंबर 3 or 2. आई थिंक 2. टी सीरीज 2. वी आर ट्रेंडिंग एट व्हाट नंबर? वैसे भी मेरे डांस का रूल नंबर 1 है, नेवर बी नंबर 2. हाँ, अच्छा इतना जोर से मत बोल, बट ठीक है अभी तो बोला. हो जाएगा. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, बट जेन्युइनली द आइडिया वाज लेट्स ब्रेक द इंटरनेट एंड लेट्स गेट अ सॉन्ग. आई थिंक रेमो सर वाज वेरी सीरियस दैट अभी नोरा के साथ क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली रीमेक का बहुत बड़ा ट्रेंड है. एंड दिस इज़ अ ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क रिटन बाय बादशाह, नेहा कक्कर. ये बहुत ही ओरिजिनल गाना है, तो एक ओरिजिनल गाने में हम लोग कैसा रंग जमाते हैं. सो दैट वाज द आइडिया. सो प्लीज प्लीज गिव द सॉन्ग सपोर्ट. इट्स एन ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क, सो होपफुली यू लाइक इट एज वेल. आई जस्ट वांट टू ऐड, आई मीन समथिंग दैट्स रियली रियली कूल, व्हिच ऑब्वियसली आई होप विल बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली आल्सो.
the vibe of this song and the attitude of the song is very fierce, it's very confident, and it's very carefree. It's kind of what you would see in any international dance film when you have like a face-off in a club or a face-off underground. You have that attitude, that facial expression, the body language. I feel like everyone in this song, Varun, Dhawan, Raghav, Dharmesh, Sushi, Perry, Chandni, me, everyone in the song really displayed that vibe which is necessary for this song. So I just can't wait for the dancers in actually dance community puri film to use it. Throughout the film, puri film mein, because I'm very careless with my expressions. Mm-hmm. Automatically jo dil mein wo aa jata hai chehre pe, to Remo sir hamesha mujhe control karte the ki don't jyada face pe matla, aankhon mein la, get it only in your eyes and in the body. To mere liye actually ye style bahut difficult hai, mera natural style nahi hai, but we've all worked hard. But I think मैंने ये जो song है, film है, मैंने direct की है, लेकिन असली credit actually जाता है राहुल शेट्टी और कृति को. For sure, Rahul Shetty and Kruti, yeah, they choreographed the number. Actually, उन्होंने choreograph किया है, बहुत अच्छा choreograph किया. पूरी film के गाने उन्होंने choreograph किया है. So I think this is one of the best work, I would say. As a choreographer, I can say that this is one of the best work they've done. Varun Paji और Remo sir, आप दोनों से मेरा एक सवाल है. This film is releasing on 24 Jan. It is releasing along with Panga. देखा जाए पीछे पंगा के ट्रेलर लॉन्च पे भी कंगना ने इसके बारे में कहा था. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू यू लुक एट दिस क्लैश, फिर मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या कहा था. यू बोथ ऑफ देम. ऑफ कोर्स मैंने ट्रेलर देखा, बहुत प्यारा ट्रेलर है एंड वेरी नाइस ट्रेलर. और ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा मुझे ऐसा कोई ऐसा टेंशन नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा एक्चुअली इट्स अ डिफरेंट फिल्म, टू डिफरेंट जॉनर्स है. ये डांस फिल्म है, वो एक स्पोर्ट्स पे बहुत अच्छा सीरियस मैटर है. और क्यों नहीं, वैसे भी दो दो फिल्में, तीन तीन फिल्में रिलीज होती हैं सेम डे पे, तो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग. इट्स डेफिनेटली आई थिंक अश्विनी इज समवन आई हैव मेट, नितिश सर आल्सो, कंगना इज समवन आई हैव नोन सिंस लॉट ऑफ इयर्स एंड रियली एडमायर अ वर्क एंड एडमायर हर. एंड आई थिंक उन्होंने भी कहा था उस वक्त कि मतलब द फिल्म्स आर वेरी डिफरेंट. तो यू नो दिस एंड वी आर इन 2020 यार, अभी हम लोग वो सब नहीं कर सकते कि क्लैश एंड ऑल. आई थिंक वी नीड टू बी कूल अबाउट इट, मूव अहेड. एंड you know, people like the films, they should go watch both the films actually, why not. And our film, genuinely this is my return to doing films for kids. Maine bahut waqt se bachcho ke liye koi film nahi kiya tha, and by bacche mera matlab hai ki ek bachcha sab mein chupa hua hai, to aap sab ke liye, aapke andar ke bacche ke liye picture. And this is what this film is all about, and hopefully the family audiences, kids, parents, aap sabko bahut acha lage and you all will have a good time.